हेलो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आपका आठवीं कक्षा अच्छा गणित के इस वीडियो लेक्चर में आज मैं प्रश्न अली एक दशमलव एक के प्रश्न नंबर दो को इस वीडियो में पूरा करने वाला हूं अब देखो यार जो ये पाठ है उसको हम बहुत पहले पूरा कर चुके हैं लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर प्रश्न है इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाया इस प्रश्न को कैसे हल करना है ये नहीं बताया था ठीक है तो आप लोगों में से एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये कहा कि ये वाला जो प्रश्न है उसके लिए वीडियो बनाओ इसलिए इसको मैं बना रहा हूं ठीक है तो देखो प्रश्न का जो मेंटेलिटी है उसको समझो प्रश्न क्या बोलता है सबसे पहले तो प्रश्न ये बोलता है कि निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए वो पहले ही आपको बता रहा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है यहाँ पर आपको जांच करने नहीं बोल रहा है इसलिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड से जांच करके फिर जोड़ा बना के नहीं बताएंगे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है और वैसे भी यदि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना चाहो तो कुछ कुछ प्रश्न कुछ ज्यादा ही लंबा चले जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमारे बुक में ही एक और टेक्निक दिया है वो क्या दिया है इकाई को देख हम बता सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा ठीक है होगा कि नहीं होगा इसको हम इकाई को देखकर बता सकते हैं और साथ ही यहाँ पर जो शून्य है उसकी संख्या को देखकर भी बता सकते हैं तो यहाँ पर एक बार और डायरेक्ट जल्दी जल्दी बता देता हूँ हो क्या होता है देखो ध्यान दो यदि पीछे साइड से जो शून्य है उसकी संख्या दो के जोड़े में हो कहने का मतलब है यहाँ पर देखो कितना है तीन है यदि तीन के जगह सिर्फ दो शून्य होता या फिर ये जो दो है वो भी शून्य होता और यहाँ पर चार शून्य होता ठीक है तो ये क्या हो जाता है पूर्ण वर्ग होता मैं क्या बोल रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसको समझिए ये।, ये कोई भी संख्या है जैसे कि वन टू थ्री फोर है ऐसे टाइप्स है यदि इकाई के साइड में यदि सिर्फ एक जीरो है कंटिन्यूटी में है ना एक जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा ठीक है ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा यदि इसी संख्या में यदि पीछे साइड से दो जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग होगा यदि इसी संख्या में पीछे साइड से यदि तीन जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा यदि इसी संख्या में पीछे साइड से चार जीरो रहेगा तो ये पूर्णवर्ग होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि पीछे साइड से जो जीरो है वो क्या हो दो के जोड़े में हो तो वो क्या होता है पूर्ण वर्ग होता है और यदि ना हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होता अब दूसरा चीज को समझो यदि इनके इकाई में जीरोस नहीं है कंटिन्यूटी में जीरो नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? तो क्या होता है यदि आप हल करो है ना किसको हल करोगे ये बता तो यहां पर समझिएगा ठीक है एक का वर्ग कितना होता है एक होता है ठीक है दो का वर्ग कितना होता है चार होता है तीन का वर्ग कितना होता है नौ होता है चार का वर्ग कितना होता है सोलह होता है पाँच का वर्ग कितना होता है पच्चीस होता है छः का वर्ग कितना होता है छत्तीस होता है ठीक है सात का वर्ग कितना होता है फोर्टी नाइन ठीक उनचास और आठ का वर्ग होता है चौंसठ नौ का वर्ग होता है इक्यासी और दस का वर्ग होता है हंड्रेड तो यहाँ पर चीज़ों को समझो कि जो वर्ग वाली संख्या है ये जो है इस साइड में जो है वो वर्ग संख्या है ठीक तो संख है तो वर्ग संख्या के यदि इकाई को आप देखो तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं उसको समझिए सबसे पहले तो एक ठीक है यहाँ पर जहाँ जहाँ एक है उसको मैं कर रहा हूँ तो ये एक ठीक है एक हो सकता है दूसरा चीज यहाँ पर देखो एक के बाद सीधा चार तो ये चार हो गया ठीक चार के बाद पाँच पाँच के बाद क्या हो सकता है भाई यहाँ पर देखो छः और छह के बाद क्या हो सकता है ये नौ ठीक है ये वाला नौ को भी टिक लगा देते हैं। और नौ के बाद क्या हो सकता है इकाई में शून्य हो सकता है समझ आया इकाई में क्या हो सकता है शून्य हो सकता है तो यदि इकाई में एक है चार है पांच है छह है नौ है या फिर शून्य है तभी वह संख्या क्या हो सकता है पूर्ण वर्ग हो सकता है यदि ये नहीं हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा ठीक है तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें यह बताना है कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है अब हम क्या करते हैं प्रश्नों को देखते हैं यहां पर देखिए और उसके जो हल है उसको मैंने नीचे में लिखा है पहले से ताकि ये वीडियो जल्दी बन जाए ठीक है क्योंकि लिखने में बहुत समय लग जाता है तो आप ध्यान से देखिए और उसको उतारते जाइए ठीक है क्या है देखो बारह हजार पूर्ण वर्ग नहीं आपको लिखना कैसे उसको बता रहा हूं ठीक है कैसे लिखोगे बारह हजार पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसके इकाई की ओर से लगातार तीन शून्य है जब शून्य वाला रहेगा ना तो उसमें इस टाइप के आपको डिटेल लिखना है ठीक है सेकंड वाला को देखो क्या है बारह पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि जिनके इकाई में एक चार पाँच छून्य हो केवल वही पूर्ण वर्ग हो सकते हैं ठीक है तो इकाई में यदि शून्य के अतिरिक्त कोई और दिया है तो आपको इकाई को देखना है वहां पर यदि एक चार पाँच छ नौ या शून्य हो तब आपको चेक करना है कि वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है ठीक है ऐसा मान नहीं लेना है कि पूर्ण वर्ग है लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर पर्टिकुलर आपको दिया है कि पूर्ण वर्ग नहीं है तो आपको बताना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्यों क्योंकि इसकी इकाई में एक चार पाँच छः नौ या फिर शून्य नहीं है तो इस तरीके से आपको लिखना है नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया है सेवन नाइन जीरो इसके इकाई में क्या है शून्य है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह पूर्ण वर्ग है क्यों क्योंकि यहाँ पर शून्य क्या है सिर्फ एक है यहाँ पर जोड़े में नहीं है तो उसी को अपन को लिखना है पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इकाई की ओर से केवल एक शून्य है ठीक है अब उसके बाद नेक्स्ट वाला को देखिए देखो क्या है ना मैं यहाँ पर हाथ को रख नहीं रहा हूँ ताकि आप इसको स्क्रीन को रोक कर लिख सको ठीक है और आपको समझा रहा हूं ताकि यदि आपको क्या लिखा हूँ यह समझ नहीं आ रहा है तो फिर मतलब क्या देगा है ना लिखने बस से ठीक है इसलिए आपको समझा भी रहा हूं लेकिन आप इसको स्क्रीन को रोक कर लिख लीजिए फिर उसके बाद चीजों को समझिए ठीक है तो थोड़ा देर चुप हो जाता हूं ओके अब देखते हैं यहां पर देखो कैसे लिखना है पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इकाई की ओर से केवल एक शून्य है ठीक है नेक्स्ट क्या है वन फोर एट टू पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि जिनके इकाई में एक चार पांच छह नौ या शून्य हो केवल वही पूर्ण वर्ग हो सकता है अब देखो यहां पर दो जगह में है ना ये वाला भी वैसे लिखा हूं मैं आंसर को और इसमें भी वैसे लिखा हूं ठीक है तो यार जिसके इकाई में शून्य नहीं रहेगा ना उसमें आंसर को आपको ऐसा ही लिखना है ठीक है समझ के भाई ठीक है नहीं अब यहां पर देखो वन सिक्स फाइव ट्रिपल जीरो है ना पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इकाई की ओर से अब इकाई की ओर से अपन देखेंगे ना ठीक है इकाई की ओर से लगातार तीन है यहाँ पर शून्य जोड़े में नहीं है ऐसा भी बोल सकते हो लेकिन लगातार तीन शून्य है लिख दोगे तो भी समझ आ जाता है इसके बाद यहाँ पर देखो वन फाइव जीरो फाइव जीरो पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इकाई की ओर से एक ही शून्य है तो इस टाइप के आपको आंसर को लिखना है इसके बाद दो ठो और बच गया है उसको भी देख लेते हैं ठीक है यहाँ पर लिख के रखा हूँ मैं आंसर को है ना वन जीरो सेवन एट पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि जिनके इकाई में वन फोर फाइव सिक्स नाइन या शून्य हो केवल वही पूर्ण वर्ग हो सकते हैं ठीक है और इसके इकाई में ऐसा नहीं है इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है यहां पर लास्ट वाले देखो एट वन टू थ्री पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि जिनके इकाई में वन फोर फाइव सिक्स नाइन या शून्य हो केवल वही पूर्ण वर्ग हो सकते हैं तो इस तरीके से इसका आंसर को लिखना है होप सो आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना चलिए बेस्ट ऑफ लक पढ़ाई करते रहिए